असल में मेरे लिए तो स्पोर्ट्स से ज़्यादा लाइफस्टाइल है, तो मुझे ये है कि मेरी ज़िंदगी में बस घोड़े हों। स्पोर्ट्स तो एक बोनस में मिल रहा है। कितने घोड़े अभी तक आपके पास? अभी तो 5 साल से मेरे पास एक ही घोड़ा है, उसका नाम मस्टैंग है, उसको प्यार से मस्ती बोलती हूँ। F9 पार्क इसलिए भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज F9 पार्क में लास्ट ईयर पहली दफ़ा देखने के लिए आई थी और इस साल मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो F9 पार्क बिकॉज इस्लामाबाद के एक तो मेन सिटी के अंदर हो रहा है, अप्रोचेबल है, फैमिलीज आती हैं, लड़कियाँ अभी भी आके हमसे मिल रही हैं। तो बेसिकली दे आर शोइंग कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर गर्ल्स एज वेल, और ये ऐसा खेल है जिसको हम पहले सिर्फ मेल से करते थे रिलेट, बट इट कैन बी प्लेड बाई वुमेन एज वेल। एज अ फीमेल कैसे देखते हैं स्पिरिट को? एज अ फीमेल में देखती हूँ कि लड़कियों को इसमें आना चाहिए, राइडिंग करनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली मानती हूँ मैं कि बहुत मेल ओरिएंटेड गेम थी, मगर अब नहीं है क्योंकि कुछ सालों से लड़कियाँ यहाँ पे निजाबाजी भी कर रही हैं, राइडिंग कर रही हैं, ऐसे ऐसे शो जंपिंग भी बढ़ी है, माउंटेड आर्चरी भी बढ़ रही है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि लड़कियों को इसमें होना चाहिए, बहुत अच्छी गेम है। जी, आई एम अ पोलो प्लेयर बेसिकली। उस घोड़े में और इस घोड़े में क्या फ़र्क है? वो घोड़े बहुत एजाइल होते हैं, फ़ौरन ही टर्न आप कर लेते हैं, स्टॉप करते हैं, जहाँ बॉल रुकती है वहीं आपने हिट लेनी होती है, यू नो यू चेज द बॉल, और वो बड़े एजाइल होते हैं, एकदम मुड़ो, एकदम स्टॉप, टर्न अराउंड। तो जी, हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल हॉर्स राइडर किंजा फरहत, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है और यहाँ पर इवेंट में आई हैं इस्लामाबाद F9 पार्क में। से बात करते हैं कि ये इवेंट को कितना एंजॉय कर रही हैं, यहाँ पर सीख रही हैं या क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, शुक्र है। भाग लिया आपने कल कि नहीं भागा? जी, हमने कल भागा है, यहाँ पे 2 राउंड्स किए हैं हमने। जी, और नेक्स्ट फाइनल इंशाल्लाह। मुझे बताएं इवेंट कैसा हो रहा है F9 पार्क में? 1000 से अब घोड़े भी, उन्होंने बताया कि 250 से ज़्यादा टीमें हो चुकी हुई हैं। नहीं, लास्ट ईयर के मुकाबले देखा जाए तो इस बार पाकिस्तान के हर मशहूर राइडर यहाँ पे मौजूद हैं इस टाइम, और इट्स अ वेरी बिग इवेंट। हम लोग ये देख रहे थे कि इट्स अ वेरी हेल्दी कंपटीशन, और यहाँ पर इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस सवार हैं कि उनको सिर्फ देख के हम लोग कितना कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे। जी, मतलब कि वो लोग यहाँ मौजूद हैं जिनको आप सिर्फ स्क्रीन पे देखती हैं। अच्छा, सेकंड ये कि यहाँ पर पिछले साल जब इवेंट हुआ था तो सिर्फ रूस की यानी थी एक फीमेल राइडर इन 700 सवारों में, आज 1000 सवार हैं लड़कियाँ, इससे मुझे 8-9 देखने को मिल रही हैं। ये जो पैशन और ये शौक जो है, क्या समझती हैं इसको अब आप? F9 पार्क इसलिए भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज F9 पार्क में लास्ट ईयर पहली दफ़ा देखने के लिए आई थी और इस साल मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो F9 पार्क बिकॉज इस्लामाबाद के एक तो मेन सिटी के अंदर हो रहा है, अप्रोचेबल है, फैमिलीज आती हैं, लड़कियां अभी भी आके हमसे मिल रही हैं। तो बेसिकली दे आर शोइंग कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर गर्ल्स एज वेल, और ये ऐसा खेल है जिसको हम पहले सिर्फ मेल से करते थे रिलेट, बट इट कैन बी प्लेड बाई वुमेन एज वेल। थैंक यू सो मच किंजा। अगर आपने इनकी डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप किंजा फरहत सर्च करें, आपको इनकी डिटेल वीडियो मिलेगी कि इन्होंने जो राइडिंग कब शुरू की, कैसे शुरू की, इनका फैमिली बैकग्राउंड, हॉर्स के साथ इनका जो रिलेशन है वो कैसा है। हमारे साथ मौजूद है एक और फीमेल हॉर्स राइडर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। बहुत पजल लग रही है आज मुझे। आपने रन लिया कि नहीं लिया अभी तक? नहीं नहीं, अभी तक मैंने रन नहीं लिया, बस अभी गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है उतना ही हमारी हिम्मत खत्म होती जा रही है। इंशाल्लाह पाक खैर करेगा। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? रावलपिंडी से। नाम आपने बताया नहीं? खिज़रा इरफान। कितना अरसा हो गया आपको नेज़ाबाजी करते? घुड़सवारी पर तो मुझे 5-6 साल हो गए। नेज़ाबाजी मैंने 2019 में एक दफ़ा की है और अब दोबारा से 2000। तो गैप आया, क्यों आया? वो मैं पढ़ने चली गई थी, तुर्की चली गई थी। तो जी, तो ज़्यादा क्या आपको शौक करती हैं, सिर्फ हॉर्स राइडिंग या? असल में मेरे लिए तो स्पोर्ट्स से ज़्यादा लाइफस्टाइल है, तो मुझे ये है कि मेरी ज़िंदगी में बस घोड़े हों। स्पोर्ट्स तो एक बोनस में मिल रहा है। ठीक है, तो कितने घोड़े अभी तक आपके पास? अभी तो 5 साल से मेरे पास एक ही घोड़ा है, उसका नाम मस्टैंग है, उसको प्यार से मस्ती बोलती हूँ। जी, अभी उसकी 13 साल उसकी एज है, मस्ती उसका नाम है। इनकी मस्ती फिलहाल ख़त्म हुई हुई है, धूप ज़्यादा है, उसकी मस्ती इंशाल्लाह देखेंगे। तो क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसको लेकर? सिर्फ घोड़े ही घोड़े? बस घोड़े, और जहाँ पे किस्मत ले जाएगी घोड़ों के साथ। तो मुल्क को कब रिप्रेजेंट करना है आप? इंशाल्लाह जल्दी, इंशाल्लाह। अभी जो पाकिस्तान टीम है फीमेल की, और उससे आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। किसको फॉलो करती हैं ज़्यादा? वो मेरी तीनों दोस्त हैं। हाँ हाँ, हम 7 सालकुट में हमने इकट्ठे इवेंट किया है, तो हमारी अच्छी दोस्ती है उनकी। कोई मैसेज उन गर्ल्स को जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, शौक रखती हैं या डरती हैं? मैं बस यही कहती हूँ कि घोड़सवारी, घोड़ा जो है ना, वो ये नहीं देखता कि उसके ऊपर लड़की बैठी है लड़का बैठा है। तो वो इंसानों की तरह नहीं है कि वो जज करे कि लड़की है लड़का है, वो बस राइडर देखता है, राइडर पक्का है, और बस उसकी और उस घोड़े की केमिस्ट्री और राइडर की और घोड़े की। कितना से लगता है इसके साथ अपना कम्बिनेशन बनाने में? अब वो तो इंसान पे डिपेंड करता है, वो कितनी एफर्ट पुट करता है उसमें। आज हमारे साथ एक और फीमेल हॉर्स राइडर मौजूद हैं, हेरा शेरियार, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया राइडिंग करते हुए? 10 ईयर्स हो गए, 7 ईयर्स पोलो में हो गए, पोलो खेलती हूँ मैं। अच्छा, पोलो का ज़्यादा शौक है? जी, आई एम अ पोलो प्लेयर बेसिकली। उस घोड़े में और इस घोड़े में क्या फ़र्क है? वो घोड़े बहुत एजाइल होते हैं, फ़ौरन ही टर्न आप कर लेते हैं, स्टॉप करते हैं, जहाँ बॉल रुकती है वहीं आपने हिट लेनी होती है, यू नो यू चेज द बॉल,
और वो बड़े एजाइल होते हैं, एकदम मुड़ो एकदम स्टॉप टर्न अराउंड। अच्छा, तो मुझे बताया कि नेजाबाजी में और पोलो में आपका शौक कहाँ ज़्यादा? आई थिंक मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। नेजाबाजी भी बहुत मज़े की, बिकॉज यू गेट द टारगेट देयर एंड देन एंड योर दैट्स योर अचीवमेंट, वेयर इज इन पोलो जब आप गोल कर लेते हैं तो दैट्स योर अचीवमेंट। टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, इट्स अ टीम एफर्ट यू नो, सिंगल एंड वो टीम। अच्छा मुझे ये बताएं कि एज अ वुमेन इस फील्ड को आप कैसे देखते हैं? हमें तो घोड़ों का शौक है तो नेचुरली आई एम क्रेजी अबाउट हॉर्सेस। तो फैमिली में भी कोई था आपको शौक? फैमिली में, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। तो जस्ट अकेले आपको? जी जी। तो आगे फ्यूचर क्या है, प्लानिंग क्या है इसको लेकर? कोई क्लासेस देनी है, सीखना है, मुझे को टीचिंग करनी है, कोचिंग करनी है, या जस्ट अभी भागा? आई वुड लव टू कोच, कोचिंग करूंगी। आई एम ऑल्सो अ जज विद द इंटरनेशनल टेंट पेगिंग फेडरेशन, यस, एंड जो जज है वो कोचिंग भी कर सकता है और एज अ जज भी यू नो परफॉर्म कर सकता है। अपनी फीमेल्स जो है राइडर्स को कोई मैसेज, कोई उन लड़कियों को जो घर में रहती हैं उस फील्ड में आना चाहती हैं? ज़रूर आएँ, बहुत अच्छी बात है। इट्स अ फियरलेस यू नो गेम और डर आप में नहीं होना चाहिए। उसके डर हो भी अगर आगे शुरू करें तो डर खत्म हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन लड़कियाँ डरती हैं मोस्टली। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है ज़ोया, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, शहले लाहौर से आई हुई है और ये भी बहुत अच्छी हॉर्स राइडर है। इनका नाम फीमेल्स की एक सफ़े अव्वल की जो है हॉर्स राइडर्स में होता है पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम ज़ोया। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं? ठीक है। लाहौर आने से पहले हम एफ़ में मिल गए और बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है यहाँ पर, कैसा लग रहा है यहाँ पर इवेंट में आगे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऑल द वे फ्रॉम लाहौर आई हूँ इस इवेंट के लिए। तो और यहाँ पे आके मैंने देखा कि इतनी टीम्स आई हुई हैं, कल भी इवेंट था, आज भी, अब कल भी होगा, तो 3 दिन का इवेंट है, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। 1000 से ज़्यादा शाहसवार मौजूद हैं इस टाइम घोड़े भी? हाँ ऐसा ही है, 1000 से ज्यादा तो हो गया, बिकॉज काफ़ी टीम्स हो गए और अभी कुछ टीम्स आ रही हैं, हमने सुना है अभी वो रस्ते में है। आपको हॉर्स राइडिंग करते हुए कितना अर्सा हुआ? मुझे 3 साल या 2.5 होने वाले हैं। ठीक है, तो उस 2.5 साल में आपने क्या सीखा ऐसा इस घोड़ों की फील्ड में लेके? मतलब मैंने आप ऐसे कि आप लोग राइडिंग जब सीखते हो उसमें आप बहुत कुछ सीखते हो कि कैसे आप लोगों ने सब्र करना है घोड़े पे, बिकॉज कुछ घोड़े होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं आपको समझने में, आपको बहुत टाइम लगता है समझने में, तो अगर आप में सब्र नहीं है ना तो आप उस घोड़े को छोड़ दोगे, और अगर आप उस घोड़े को छोड़ देते हो तो कल को अगर आपको कोई मुश्किल घोड़ा मिलता है ना आप वो नहीं चला सकते, आप गिव अप कर दोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एज अ फीमेल कैसे देखते हैं इस फील्ड को? एज अ फीमेल मैं देखती हूँ कि लड़कियों को इसमें आना चाहिए, राइडिंग करनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली मानती हूँ मैं ये कि बहुत मेल ओरिएंटेड गेम थी, मगर अब नहीं है, क्योंकि कुछ सालों से लड़कियाँ यहाँ पे नेजाबाजी भी कर रही हैं, राइडिंग कर रही हैं, ऐसे शो जंपिंग भी बढ़ी है, माउंटेड आर्चरी भी बढ़ रही है, तो मेरा तो यही ख्याल है कि लड़कियों को इसमें होना चाहिए, बहुत अच्छी गेम है ये। आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया लास्ट ईयर, आने वाले टाइम में देख रही मजीद गर्ल्स आएंगी इसमें? हाँ हमें देखते काफ़ी लड़कियाँ आई हैं, हम भी पिछली वालों से काफ़ी इंप्रेस हुए थे, जैसे हमसे काफ़ी लड़कियाँ इंप्रेस होती हैं, हमसे पूछती भी हैं कि आप कहाँ से करे हो, हम कहाँ से सीखें, तो हमारे सामने लाइक हमारे होते हुए एक साल के अंदर अंदर 10-15 फीमेल राइडर्स हमने तैयार होती देखी हैं। जिक्र आपको आज इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आएगी, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, टिकटॉक को भी फॉलो करें, मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।